हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर किस टाइप के डिपार्टमेंट जो है वो काम करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एज ए जनरल वे में अगर हमको कुछ पता होता है तो हमको बस ये पता होता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, बट उस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसपे हमको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो हमको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि किस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं और कितने टाइप के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल या फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है वहां पर ये डिपार्टमेंट काम करते हैं, और जो इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इन्हीं डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता है तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प होती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जब आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के लिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कितने टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के पास जो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है और सबसे इजी डिपार्टमेंट होता है उसे कहते हैं हम केमिकल डिपार्टमेंट। केमिकल डिपार्टमेंट होता है ये क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर काम करता है, और सबसे निचला डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर टाइट्रेशंस होती हैं, उसके अलावा LOD और LOQ, FTIR, UV, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ये जितनी भी मैंने आपको रिएक्शंस बताई या टेस्ट बताए, ये सारा जितने भी टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर आने वाले केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इनका पूरा डिपार्टमेंट अलग होता है और ये सारे टेस्ट जो होते हैं वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली इस डिपार्टमेंट के अंदर उन बच्चों को रखा जाता है जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, अधिकतर फ्रेशर जो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं और नए सिलेक्शंस होते हैं उन बच्चों को इन डिपार्टमेंट्स के अंदर रखा जाता है। ये होता है केमिकल डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट होता है डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो होता है वो टेबलेट के डिसोल्यूशन टेस्टिंग लगाता है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पर्सन सिलेक्ट होते हैं वो केवल डिसोल्यूशन एपरेटस चलाते हैं। इनका काम बस इतना होता है कि इनको सैंपल प्रोवाइड करा दिया जाता है, उस सैंपल के थ्रू ये SOP पढ़कर उसका बफर बनाते हैं, पूरी एक तरीके से बफर बनाएंगे, पूरा डिसोल्यूशन रन करेंगे, उससे सैंपल विड्रॉ करेंगे और वो सैंपल लेके वो HPLC डिपार्टमेंट को देते हैं। तो ये जो काम होता है ये डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट का होता है, साथ ही साथ डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है जो इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। एक चीज आपको मैं आपको बताते जाऊंगा, ये मैं जितने भी डिपार्टमेंट बताऊंगा इन सभी डिपार्टमेंट्स के सेपरेट मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं। बेसिकली सबके असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं और इनके वर्किंग को देखते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट जो होता है, और ये थोड़ा काम का डिपार्टमेंट है, और तीसरा डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है बेसिकली ये माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट ही लगाता है, और अधिकतर ये डिपार्टमेंट जो होता है इसका काम ये होता है कि जो ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, खासकर एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो उनकी एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर चेक करने के लिए डिपार्टमेंट होता है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, और यहाँ पर भी पर्सन रिक्रूट होते हैं जिसे हम माइक्रो डिपार्टमेंट भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो डिपार्टमेंट बोला जाता है। और यहाँ पर अधिकतर उन बच्चों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो BSc या MSc है माइक्रोबायोलॉजी से, तो उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इस डिपार्टमेंट के अंदर मौका मिलता है। तो ये डिपार्टमेंट का काम बस यही होता है कि ड्रग की एक्टिविटी को चेक करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। चौथा डिपार्टमेंट होता है वाटर डिपार्टमेंट। ये वाटर डिपार्टमेंट बेसिकली वाटर टेस्टिंग करता है, नाम से पता चल रहा है वाटर टेस्टिंग, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट वाटर्स यूज होते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन अलग यूज होता है, स्टेराइल वाटर यूज होता है, HPLC ग्रेडेड वाटर यूज होता है, एक नॉर्मल वाटर भी यूज होता है, और जो वाटर की जो रिसाइकलिंग हो रही है उसको भी चेक करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट जो वाटर्स होते हैं या क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज होता है डिस्टिल वाटर, तो इन सभी वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए QC के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और ये डिपार्टमेंट कहलाता है वाटर डिपार्टमेंट। तो ये चौथा डिपार्टमेंट होता है। पांचवा डिपार्टमेंट जो होता है QC के अंदर वो होता है GC डिपार्टमेंट, जिसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इनका काम जो होता है बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी में जितने भी इनके पास सैंपल आते हैं GC के, उनकी टेस्टिंग करना और उनके रिजल्ट प्रोवाइड कराना। तो ये GC डिपार्टमेंट भी QC के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है। छठा डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है PRM डिपार्टमेंट, इसे हम फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इनका काम होता है फार्मा रॉ मटेरियल की चेकिंग करना। फार्मा रॉ मटेरियल का मैं आपको बता दूंगी क्या चीज होती है। जब कोई API के अंदर
हम एडिटिव्स ऐड कर देते हैं और उनकी पूरी मिक्सिंग कर देते हैं, तो उस पाउडर को बोला जाता है पीआरएम, जिसे बोला जाता है फार्मा रॉ मटेरियल। मतलब फार्मा रॉ मटेरियल के बाद बस आपको टेबलेट की पंचिंग करनी है, ठीक है। मतलब ये एपीआई और टेबलेट, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है ना, उसके बीच की स्टेज होती है पीआरएम, जिसे हम बोलते हैं फार्मा रॉ मटेरियल। तो ये डिपार्टमेंट भी क्यूसी के अंदर अलग डिपार्टमेंट होता है, और ये फार्मा रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करता है। इसके अंदर सारी प्रोसीजर्स आ गए, यहाँ पर आपके टाइट्रेशन भी आ गई, एलओडी एलओक्यू आ गया, यूवी आ गया, एफटीआईआर आ गया और कालफिशर आ गया। तो ये सारी टेस्टिंग जो होती है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन करते हैं। ये भी केमिकल डिपार्टमेंट जैसा ही, इसके सारे टेस्ट प्रोसीजर अगर आपने देखे होंगे तो ये भी केमिकल डिपार्टमेंट वाले ही सारे टेस्ट लगा रहा था, जो मैंने पहला डिपार्टमेंट बताया था आपको, केमिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी मतलब पीआरएम डिपार्टमेंट के अंदर भी काफी फ्रेशर्स को रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी जो टेस्ट प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। थोड़ा मैं गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो भी केमिकल डिपार्टमेंट और पीआरएम डिपार्टमेंट ही होता है, क्योंकि इसके टेस्ट प्रोसीजर छोटे होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो जनरल शिफ्ट के अंदर काम करती हैं 9 से 5, तो उनको अधिकतर इसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाता है। जो 7वां डिपार्टमेंट होता है वो होता है एचपीएलसी डिपार्टमेंट। तो एचपीएलसी डिपार्टमेंट का नाम से पता चल रहा है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो एचपीएलसी में जो एनालिसिस होते हैं वो सारे एनालिसिस जो होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर रन किए जाते हैं, जिसके अंदर ऐसे हो गया डिसोल्यूशन से जो सैंपल आए थे उनको रन करना, इम्प्यूरिटी चेकिंग करना, वैलिडेशन परफॉर्म करना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट लगाना, टेबलेट की इम्प्यूरिटी की चेकिंग करना। तो ये सारे टेस्ट प्रोसीजर्स जो होते हैं वो एचपीएलसी डिपार्टमेंट के अंदर रन होते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है सैंपलिंग डिपार्टमेंट। तो ये सैंपलिंग डिपार्टमेंट भी क्यूसी के अंदर ही काम करता है एक तरीके से, और ये सैंपलिंग डिपार्टमेंट का बस ये काम होता है कि वो प्रोडक्शन एरिया के एरिया में जाकर सैंपलिंग करते हैं, मतलब सैंपल कलेक्ट करना और फिर आपके क्यूसी में प्रोवाइड कराना, यही बस इनका काम होता है। तो ये एक सैंपलिंग डिपार्टमेंट भी होता है जो क्यूसी के अंदर काम करता है। तो सैंपलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी अधिकतर फ्रेशर्स लड़कों को ही जगह दी जाती है, और इसका काम थोड़ा सा ईजी भी है। अधिकतर ये जनरल शिफ्ट में ही काम करते हैं, इनको भी शिफ्ट का कोई टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल जो जनरल शिफ्ट 9 से 5 होती है उसी में सैंपलिंग डिपार्टमेंट काम करता है, और इनका काम बस सैंपलिंग का होता है। अगर हम बात करें क्यूसी डिपार्टमेंट के, और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें क्यूसी डिवाइडेड होती है, तो ये मैंने आपको जो डिपार्टमेंट्स बताए ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें क्यूसी बटी हुई होती है। बट उसके अलावा भी क्यूसी के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि क्यूसी में जो इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री जो फॉर्मुलेशन भी बना रही है और एपीआई भी बना रही है, तो उनकी क्यूसी भी सेपरेट होती है। मतलब एपीआई की एक अलग क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होगी और फॉर्मुलेशन के लिए एक अलग क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है। तो यानी कि एपीआई भी इन्हीं सब, मतलब एपीआई में अब अगर बात करें जितने मैंने आपको ये डिपार्टमेंट बताए ये अधिकतर फॉर्मुलेशन के डिपार्टमेंट है। अगर हम यहीं एपीआई की बात करेंगे तो एपीआई के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर आपको केमिकल टेस्टिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, उसके अलावा आपका एचपीएलसी डिपार्टमेंट भी वहां पर होगा, जीसी डिपार्टमेंट भी होगा। बट अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की तो डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो आपको फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो सैंपलिंग डिपार्टमेंट तो दोनों के अंदर काम करेगा, आपका फॉर्मुलेशन के लिए एक सैंपलिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, एपीआई का सैंपलिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो या तो फिर ये होगा क्योंकि जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एपीआई का और फॉर्मुलेशन का, तो वहां तो सैंपलिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर दोनों जगह एक सीमित कम हो रहा हो दोनों का प्रोडक्शन, एपीआई का भी कम हो रहा है और फॉर्मुलेशन भी, तो हो सकता है एक ही सैंपलिंग टीम के साथ वो दोनों काम कर ले, मतलब एपीआई की सैंपलिंग भी करवा दें और फॉर्मुलेशन की सैंपलिंग भी करवा दें। एक डिपार्टमेंट और होता है जिसे बोला जाता है इन प्रोसेस डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो ये इन प्रोसेस डिपार्टमेंट जो होता है वो साथ ये एक तरह से क्यूसी का ही काम करता है, इधर भी एचपीएलसी और जीसी डिपार्टमेंट होता है, बट ये काम करता है आईपीक्यूए के साथ, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसका काम जो होता है ये आईपीक्यूए के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कई जगह इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्यूए के अंडर में आता है। तो है तो क्वालिटी कंट्रोल, काम पूरा क्वालिटी कंट्रोल वाला ही है, बट इट इज ए इन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस। तो ये आईपीक्यूए के साथ में काम करता है। आईपीक्यूए जो होता है वो एक तरह से प्रोडक्शन वालों के साथ काम करता है, और जब प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है तो उन्हीं प्रोसेसेस के बीच में सैंपल विड्रॉ करके ये टेस्टिंग करते हैं कि ड्रग जो है वो हमारी प्योर और स्टेबल है कि नहीं है। तो आईपीक्यूए क्या होता है उसके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं सिस्टमेटिक आईपीक्यूए का वर्किंग कल्चर भी समझाऊंगा, वहां पर जॉब कैसे किया जाता है, वहां पर किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी। तो वो एक सेपरेट पार्ट है, बट मैं यहाँ पर हम जब क्यूसी की बात करें और क्यूसी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर क्यूसी के अंदर ही एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है, इट इज कॉल्ड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसके अलावा क्यूसी का एक और डिपार्टमेंट होता है और ये क्यूसी का हेड होता है, जिसे हम बोलते हैं एडीएल, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी एडीएल डिपार्टमेंट। और ये एडीएल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्यूसी की आरएनडी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनका काम होता है मेथड डेवलप करना
और वो मेथड डेवलप करके क्यूसी को प्रोवाइड कराते हैं और क्यूसी उन मेथड्स को फिर फॉलो करता है। तो एडीएल डिपार्टमेंट क्या होता है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, इनका क्या वर्किंग कल्चर होता है, क्या क्या काम करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है। बट मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि क्वालिटी कंट्रोल की जो R&D होती है उसे एडीएल डिपार्टमेंट कहते हैं और इनका काम भी पूरा क्वालिटी कंट्रोल जैसा ही है, बट ये मेथड डेवलपमेंट वैलिडेशन या मेथड वैलिडेशन ये सारी जो प्रोसेस होती है वो एडीएल डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के ऊपर हमारा वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया कि हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वो कितने डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होती है। उसके अलावा भी अगर कोई डिपार्टमेंट रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर आपने ये वाला डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया, तो मैं जरूर आने वाले वीडियोस में उस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। उसके अलावा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई PhD वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।